समर सीजन में अगर आप कंफ्यूज है कि कौन सा मेकअप करे, कौन सा मेकअप लुक करे, चाहे आपका कोई भी फंक्शन हो, कोई भी छोटी सी पार्टी हो, तो ये वीडियो आप ही के लिए है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब? उम्मीद करती हूँ हम लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और मेरे सभी व्यूअर्स का खुशामदीद है मेरे YouTube चैनल पर। और पिछली वीडियो को ढेर सारा प्यार जताने के लिए जजाकल्लाह खैर, शुक्रन। सो जैसे कि आज की वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाली हूँ मेकअप लुक, जो कि आप समर में इजीली वेयर कर सकती हैं, कोई भी हैवी फंक्शन भी हो या फिर नॉर्मल से बर्थडे पार्टी क्यों ना हो, या फिर आप ऐसे लोग हैं जो ऑफिस को भी ना हैवी मेकअप वेयर करके जा सकते हैं, तो उसके लिए आइडिया देने के लिए मैंने आज एक मेकअप लुक क्रिएट किया जो आप अभी देख रहे हैं ना, यही लुक कैसे क्रिएट करना है और बहुत सारे टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ कि समर में बहुत सारे लोग्स को प्रॉब्लम्स फेस होती है कि बेस सेट नहीं होता, बहुत ज़्यादा स्वेटिंग के कारण मेकअप जो है हट जाता है, बहुत ज़्यादा पैची हो जाता है, कुछ देर बाद मेकअप ग्रे हो जाता है, तो ये सारे प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन आज की वीडियो में आपको आराम से मिल जाएगा। बिना कोई वक्त ज़ाया करते हुए आज की वीडियो हम स्टार्ट कर लेते हैं। एक बात मैं आपको बताते चलो, अगर इन डिटेल में आप अपने बेस को प्रिपेयर करना चाहती हैं, मीन समर सीजन में बहुत सारे प्रॉब्लम्स होती है, स्वेटिंग होती है, बहुत ज़्यादा गर्मी के कारण पसीने आने के कारण आपका मेकअप खुद हट जाता है, या फिर बहुत ज़्यादा जो गर्मी होती है उसकी वजह से भी आपका जो मेकअप है वो हट जाता है जगह पे से, नोज़ के रे पे से, तो आपको प्रॉपरली बेस कैसे सेट करना है, उसे कैसे आपको लंबे समय तक जैसा मेकअप आप करते हैं वही वाला फ्रेश लुक आपको मिनिमम 6-7 घंटे तक देना है ना, तो उसके लिए सेपरेट से मैंने बेस कैसे सेट करना है सेपरेट से वीडियो बना रखी है, मेरे यूट्यूब चैनल पर अपलोडेड है, पहले वो वीडियो चेक कीजिए क्योंकि वहाँ पर मैंने इन डिटेल में आपको अपना बेस समर सीज़न में स्पेशली कैसे सेट करें वो अच्छे से मैंने स्टेप बाय स्टेप अच्छे से एक्सप्लेन किया है। इसी वीडियो में भी मैं आपको बताने वाली हूँ, लेकिन ये थोड़ा सा इन डिटेल नहीं होगी, बहुत ही शॉर्ट फॉर्म में होगी क्योंकि ऑलरेडी मैंने बेस के ऊपर इन डिटेल लॉन्ग वीडियो बना रखी है, तो पहले वो चेक कीजिए फिर इसके बाद कौन सा आई मेकअप करना है उसके लिए ये वीडियो आप ही के लिए, तो पहले वो वीडियो वॉच करके ये वीडियो देख लीजिए। और ये वीडियो वो लोग के लिए भी जो कन्फ्यूज रहते हैं कि समर्स में कौन सा लुक करे या फिर कौन सी पार्टी में कौन सा लुक करे, ये जो लुक है हर फंक्शन में चल जाएगा आराम से। और जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बताया कि अगर आप ऑफिस गोइंग गर्ल है जो हैवी मेकअप वेयर कर जाना चाहती है, वैसे तो आई मेकअप ज़्यादा हैवी नहीं है, जस्ट लाइनर जो है बोल्ड है, आप चाहे तो लाइनर के बदल लाइनर स्किप भी कर सकते हैं या फिर लाइनर बहुत ही थिन भी रख सकते हैं, इट्स अप टू योर चॉइस। स्टार्टिंग से ही मैं आपको बताते चलती हूँ, पहले आपको अपनी स्किन को प्रेप करना होता है और मेक श्योर आप अपने फेस को फर्स्ट स्टेप क्लेंस अच्छे से करें, चाहे वो आप फेस वॉश लीजिए या फिर कोई भी फेशियल वाइप लेकर आप कर सकते हैं, डिपेंड्स अपॉन यू, आप कैसा करना प्रीफर करते हो वो आपके ऊपर आपकी चॉइस है। नेक्स्ट यहाँ पर मैं ये टोनर ले रही हूँ, टोनर को आप पहचानते ही होंगे, अगर आप मुझे पहले से ही देख रहे हैं बहुत ही कमाल का टोनर है, पिछली वीडियो में इसकी रेमेडी मैंने शेयर की है ओपन पोर्स के रिलेटेड, बहुत ही कमाल का टोनर है, जैसे ही मैंने इसको प्रिपेयर किया ना बहुत ही अमेजिंग रिजल्ट दे रहा है, अच्छे से स्किन को हाइड्रेट करा और मेरे पोर्स काफ़ी हद तक मिनिमाइज भी हो चुके थे ये वाले टोनर के। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी तो पहले वो वीडियो देख लीजिए, बहुत ही कमाल की गजब की वीडियो है वो। नेक्स्ट यहाँ पर टोनर के बाद मैं यहाँ पर ले रही हूँ मॉइस्चराइजर मैं यहाँ पर निविया का ही प्रीफर करती हूँ, अच्छे से अप्लाई कर लेना है और इसके बाद आपको इस मेथड को फॉलो करना है, जस्ट टैप टैप कर लेना है मॉइस्चराइजर के बाद, ताकि ये जो मॉइस्चराइजर है अच्छे से आपकी स्किन में डीपली पेनिट्रेट हो जाए, जिससे आपकी स्किन हाइड्रेटिक भी दिखे और इसके अलावा आपका मेकअप बहुत अच्छा ड्यूई फिनिश लुक दे। नेक्स्ट यहाँ पर प्राइमर हमारा मेकअप का फर्स्ट स्टेप है, प्राइमर बिल्कुल भी स्किप नहीं करना चाहिए, अगर आपको पोर्स है या फिर कोई भी पिंपल्स है या फिर एक्ने स्कार्स है तो वो उसको ना बहुत अच्छा लेयर क्रिएट होता है, जिससे आपका जो मेकअप है बहुत ही अच्छा फ्लॉलेस ब्लेंड होता है, बिना किसी मीन्स पोर्स की विजिबिलिटी जो है बहुत ही काफ़ी हद तक कम हो जाती है। नेक्स्ट यहाँ पर सेकेंड इंग्रेडिएंट है, मैं यहाँ पर स्टेक विर्की का कंसीलर ले रही हूँ और इस कंसीलर का कंप्लीट रिव्यू मैंने इंस्टाग्राम पर मैंने कंप्लीट वीडियो बना रखी है, अगर आपने मिस कर दिया तो जाकर देख सकती हैं। तो यहाँ पर कंसीलर को मैं इस मेथड्स में लगा रही हूँ जहाँ पर मुझे महसूस हो रहा है वहाँ पर, ज़रूरी नहीं है आप भी यही मेथड फॉलो करो, आप अपनी मर्जी के हिसाब से जहाँ पर मीन्स डार्क सर्कल्स है, पिगमेंटेशन है, तो वहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हैं और एक ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से आपको अच्छे से मैं इसे ब्लेंड कर रही हूँ। और मेक श्योर अंडर आइज पर अगर आपको अच्छे से क्रीजिंग हो रही है तो आप अच्छे से ब्लेंड कीजिए, और इसके अलावा इस तरीके से आपको ब्लेंडर को प्रेस करते हुए अप्लाई करना है, क्योंकि वो एरिया ना बहुत ही छोटा होता है, तो इसलिए
और उस ब्लेंडर को प्रेस करने से आपका जो ब्लेंडर है छोटा होकर अच्छे से ब्लेंडिंग हो जाएगी। नेक्स्ट यहाँ पर फाउंडेशन की बारी आती है। मैं यहाँ पर मीशीमी का फाउंडेशन ले रही हूँ, ये इतना अच्छा बेस्ट फाउंडेशन है और मेरा सेकेंड ट्यूब है। इसके अलावा ना इसके जो फाउंडेशन है ना बहुत ही कमाल का इसका फाउंडेशन है। तो यहाँ पर मैं दो फाउंडेशन को मिक्स करने वाली, एक मीशीमी का और इसके अलावा एक ग्लैमिस्टा का। ये ग्लैमिस्टा और ये मीशीमी है, इन दोनों को अच्छे से मिक्स कर लूँगी ताकि थोड़ा सा जो कवरेज मुझे चाहिए था वो कवरेज अच्छे से मिल जाए। और मीशीमी का फाउंडेशन लॉन्ग लास्टिंग बहुत ही कमाल का है, इसे मैंने इंस्टाग्राम के पेज से ही इसे परचेज किया था। मीशीमी टाइप कर कर सर्च कर सकते हैं तो वो मिल जाएगा और डिफरेंसेस आप देख सकते हैं कितना अच्छा कवरेज दे रहा है। बहुत ही कम प्रोडक्ट मैंने यहाँ पर अप्लाई किया और मैंने यहाँ पर बेस को तो सेट कर लिया है। और इसके अलावा बेस को सेट करने के लिए जो कि हमारा क्रीम प्रोडक्ट था उसको लॉक करने के लिए मैं पाउडर प्रोडक्ट अप्लाई कर रही हूँ। बहुत ही अच्छे से आपको पाउडर प्रोडक्ट अप्लाई करने के बाद डस्टिंग ऑफ करना है, मीन जो एक्सेस पाउडर होता है उसे अच्छे से रिमूव करना। और मैं यहाँ पर लिप बाम लगाना तो भूल ही गई थी स्टार्टिंग में, तो जैसे ही मुझे याद आया मैं यहाँ पर लिप बाम लगा लिया। और यहाँ पर हमने जो है ना बेस तो सेट कर लिया, आई मेकअप कर लेते हैं। तो ये चिक्स एंड आइज का मैल्यू का जो आई शेडो पैलेट है ना ये ले रही हूँ। इसमें बहुत अच्छे ऑप्शन है आपको यहाँ पर, मीन्स हाइलाइटर से ब्लश है, इसके अलावा आपको ब्रॉन्जर है, बहुत ही अच्छे से लाइट न्यू चढ़े जिससे आप स्मोकी आई लुक कुछ भी क्रिएट कर सकती हैं बिगिनर्स हो तो। तो यहाँ पर मैं क्रीज लाइन वो वाले कलर से, जैसे मैंने कलर बताया ना वो वाले लाइट कलर से, मैं क्रीज लाइन क्रिएट कर रही हूँ और आप डिफरेंस देख सकते हैं। क्रीज लाइन क्रिएट करने से बहुत ही बड़ा डिफरेंस आ जाता है। सो मेक श्योर जब भी आप आई मेकअप करते हैं पहले अपनी क्रीज लाइन प्रीफर करें, इसके बाद ही आप आई मेकअप करें। नेक्स्ट यहाँ पर सेम वही पैलेट से मैं ये जो थोड़ा सा शिमरी शेड था ना, थोड़ा सा मुझे जो आई मेकअप में ना थोड़ा सा मीन्स हैवी नहीं रखना था, न्यूट रखना था, तो इसी की वजह से मैंने ये शिमर चूज किया है। और इस शिमर को मैं फिंगर्स की हेल्प से ही अपने आईलेट पर अप्लाई कर लूंगी। शिमर्स तो मैं प्रेफर करती हूँ अपने हाथों से ही। और यहाँ पर मैंने दोनों सेट भी अप्लाई कर ली। अब आ जाती है ब्लश की बारी। ब्लश ना हो मेकअप में ऐसा हो ही नहीं सकता, और हमारे चेहरे पर हंसी ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता। तो यहाँ पर मैं ब्लश दोनों साइड भी अच्छे से अप्लाई कर लूँगी। और बाकी का तो ऑफ कैमरा मैंने अप्लाई कर लिया, जैसे कि आईलाइनर मस्करा था और इसके अलावा हाइलाइटर। और यहाँ पर लिपस्टिक ऑन कैमरा ही मैं अप्लाई कर रही हूँ और मेरा फाइनल लुक के लिए आप लोग वेट। तो ये रहा मेरा फाइनल लुक। आई होप आपने वीडियो देखी ली होगी और एंड तक आए हैं तो वीडियो देख लिया होगा और वीडियो को ज़रूर लाइक भी कर दिएगा, क्योंकि कर देते हैं आप लोग लेकिन उसे शेयर करना भूल जाते हैं। तो ज़रूर इस वीडियो को शेयर कीजिए और ज़रूर कमेंट कर मुझे बताना कि ये वीडियो आपके लिए कितनी हेल्पफुल रही है। इसके अलावा आपको ये लुक कैसा लगा ज़रूर कमेंट कर बता देना। और इसके अलावा आप कोई वीडियो के सजेशन भी दे सकते हैं नीचे कमेंट सेक्शन में। और रही बात तो बेस वाले से मेकअप की, तो वहाँ पर तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में भी दे रखा, तो वहाँ से भी आप चेक कर सकते हैं या फिर मेरे चैनल पर आपको आराम से मिल जाएगी, कुछ कम 3-4 वीडियोस के बाद ही आपको आराम से मिल जाएगी। और ज़रूर ज़रूर मुझे आप फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम फेसबुक ट्विटर, जिसके सारे लिंक्स मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। दुआ में याद, अल्लाह हाफिज़।